नमस्कार दोस्तों, जन संदेश टाइम्स में आपका स्वागत है। आप सबके पास स्मार्टफोन तो होगा, और फोन में आपके ना सही आपके घर में किसी न किसी के पास एक जियो का सिम जरूर होगा। सोच के देखिए, जियो ना होता तो क्या होता? क्या आप स्विगी से खाना मंगा लेते हैं? क्या नेटफ्लिक्स से मूवी देख पाते हैं? क्या ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते हैं? क्या ऑनलाइन दवाई मंगा पाते हैं? जितने भी ऑनलाइन कंपनी यूनिकॉर्न बन गई हैं, वो शायद शुरू ही नहीं हो पाती। क्यों ना कहें, जल ही जीवन की जगह जियो ही जीवन है। क्योंकि जियो के लॉन्च होने के बाद टेलीकॉम में जो क्रांति आई और अचानक से लोगों के जीने का तरीका बदल गया, जब सस्ता इंटरनेट डाटा मिलने लगा। पहले 300 से 350 रुपये पर जीबी था, वो आज 150 से 200 रुपये पर मंथ अनलिमिटेड हो गया। आपको क्या लगता है, ये सब ऐसे ही हो गया? मुकेश अंबानी यानी रिलायंस के चेयरमैन ने एक दिन उठे और सोचे कि जियो लाएंगे मार्केट में, जिसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति आ जाएगी? तो आप अगर ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि सस्ते सिम के साथ टेलीकॉम क्रांति कैसे आई। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच क्या डील हुई? जियो की लाइनें कैसे बिछी? टावर कैसे लगे? अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मुकेश अंबानी को जियो का आइडिया ऐसे अचानक नहीं आया। एक दिन जब उनकी बेटी ईशा अंबानी इंटरनेट पे काम कर रही थी, तो इंटरनेट स्लो होने की वजह से उन्होंने बोला, डैड इंटरनेट सक्स। तब मुकेश अंबानी को लगा कि भारत के सबसे अमीर आदमी के यहाँ इंटरनेट की इतनी बड़ी समस्या है, पूरे देश में क्या हाल होगा। और वहीं से उनको जियो लॉन्च करने का आइडिया आया। धीरू भाई की संपत्ति के विवाद में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये एक दूसरे के बिजनेस खुद नहीं कर सकते। यानी टेलीकॉम बिजनेस अनिल के हिस्से में जाने के बाद मुकेश उस सेक्टर में नहीं आ जा सकते थे। लेकिन अचानक से दोनों भाइयों के 2010 में क्या डील हुई कि वो नॉन कम्पीटिंग एग्रीमेंट ही रद्द हो गया। लेकिन मुकेश अंबानी ने जियो के लिए अपनी नींव 2007 में ही रख दिया था। एक कंपनी थी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड IBSL, जो मात्र इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसने 2007 में 4G के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। और इकलौती कंपनी होने की वजह से इंडिया के 22 सर्कल्स के लाइसेंस उसको मिल गए थे। जब 2010 में दोनों भाइयों के बीच नॉन कम्पीटिंग एग्रीमेंट रद्द हुआ था, तो मुकेश अंबानी ने IBSL को तुरंत 4800 करोड़ रुपये में खरीद लिया था। बहुत सारे बिजनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पर्दे के पीछे वाली ये अनजान कंपनी मुकेश अंबानी की ही थी। अब सारे लीगल अड़चन हट जाने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जिसमें सारी की सारी कंपनी मार खा रही थी। लेकिन अंबानी तो अंबानी, उन्होंने जियो प्रोजेक्ट को 1.5 लाख करोड़ रुपये दे दिया। उनको ये पता था कि भविष्य अब जियो का ही है। टावर के महंगे खर्चे से सारी दुनिया जूझ रही थी। एक टावर की औसत लागत 32 से 36 लाख रुपए आता था, लेकिन मुकेश अंबानी तो मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी ने टावर की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए IIT मुंबई से संपर्क किया, जिसने उन्हें हल्के स्टील और ज़्यादा रेंज वाले टावर तैयार करके दिया, जिसकी लागत मात्र 10 से 12 लाख रुपए पड़ती थी। जब मुंबई जैसे शहर में सारे टेलीकॉम कंपनी के केवल 3800 टावर थे, अकेले मुकेश अंबानी ने अपने 8000 टावर लगा दिए। और यही निर्णायक मोड़ नहीं था जियो के संग। जब लाइंस बिछाने के लिए सारी कंपनी कॉपर वायर यूज़ कर रही थी, जो महंगी थी और चोरी भी होती थी, इन्होंने प्लास्टिक की ऑप्टिक फाइबर बिछा दिया। जहां ज़रूरत 10 मीटर की थी, वहां 11 मीटर लगाया था। 1 मीटर बाहर निकाल देते थे, चोरी करने वालों को पहले दिख जाए प्लास्टिक की तार है, किसी काम की नहीं है। केबल्स के संसाधन की सुरक्षा के लिए इन्होंने एक्स आर्मी मैन को रखा। आप सोच रहे होंगे कि जब भारत में सारी टेलीकॉम कंपनी रीजी ढंग से नहीं दे पा रही थी, तो वहाँ मुकेश अंबानी ने 4G क्यों लिया, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? कहते हैं ना कि एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान होती है कि वो समस्या ढूंढे और उपाय दे। 3G पे हैवी इन्वेस्टमेंट करके और वो कुछ दिन में आउटडेटेड हो जाता, इसलिए रिलायंस ने 4G का LTE वर्जन का बैंड, जहाँ कुछ मामूली से बदलाव लाने के बाद 5G पे शिफ्ट हो जाएगा। हाल ही में जियो ने 5G भी लॉन्च कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि इतना हैवी इन्वेस्टमेंट फ्री में सिम डेटा
सब देने के बाद जियो की फाइनेंशियल कंडीशन कैसा होगा तो आप जान लीजिए। हाल ही में रिलायंस जियो ने अपना रिजल्ट घोषित किया था, जहां उसको सितंबर तिमाही में 4,518 करोड़ का मुनाफा हुआ, जो पिछली तिमाही से 28% ज़्यादा था। फ्री में सिम और इंटरनेट देने के बाद भी आज जियो भारत का सबसे सफल टेलीकॉम कंपनी है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।